नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 27 मई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महिला एवं बाल विकास निगम, समाज कल्याण विभाग, बिहार ने निकाली रिक्तियां। बिहार में अब आसान होगा कपड़ा और लेदर उद्योग लगाना। बिहार के सभी 79 नगर निकायों में वार्डों का गठन होगा इस दिन। बिहार में सर्वे से पहले होगा सरकारी योजनाओं की जमीन का म्यूटेशन। बिहार बना पर्यटकों की पहली पसंद। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। महिला एवं बाल विकास निगम, समाज कल्याण विभाग, बिहार ने निकाली रिक्तियां। महिला एवं बाल विकास निगम, समाज कल्याण विभाग, बिहार ने काउंसलर केवल महिलाओं के लिए, इसके लिए कुल मिलाकर 213 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, कानून में स्नातक और 2 साल का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 7 जून 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.wdc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। 3 महीने के बाद बालू पर लगने वाली है रोक, बढ़ सकती है कीमत। आने वाले समय में अगर आप कोई निर्माण कार्य करवाने की सोच रहे हैं तो अपनी जरूरत के हिसाब से बालू का इंतजाम कर ले, क्योंकि आने वाले 3 महीने में खनन पर रोक लगने वाली है और जैसा कि आपको पता है कि बालू पर रोक लगी तो बालू की कीमत बढ़ जाती है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के प्रावधान के अनुसार अगले 1 जुलाई से बिहार में नदियों से बालू का खनन बंद होने वाला है। बालू खनन पर ये रोक 30 सितंबर तक यानी कि 6 महीने तक जारी रहने वाली है। इस दौरान वही बालू बाजार में आने वाले हैं जिसका भंडारण 1 जुलाई से पहले कर लिया गया है। ऐसा होने के साथ ही इस रोक की अवधि में स्टॉक घटने पर बाजार में बालू की कीमतें बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं। NGT ने जिन नियमों को लागू किया है उसके अनुसार बिहार में 1 जुलाई से 30 सितंबर तक नदियों में बालू के खनन का काम नहीं होने वाला है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे नेहा शर्मा की। बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा का जन्म भागलपुर में हुआ था। उनके पिता कांग्रेस के नेता हैं और नेहा ने राजनीति छोड़कर फिल्मों का रुख किया और सफल भी हुई। नेहा शर्मा ने 2007 में तेलुगु फिल्म चिरूता से फिल्म करियर की शुरुआत की। वहीं नेहा ने मोहित सूरी की फिल्म क्रुक हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया था। उनकी अभिरुचि भोजन पकाना, संगीत सुनना, पढ़ना और नृत्य करना है। नेहा शर्मा भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक में भी प्रशिक्षित है। बिहार में अब आसान होगा कपड़ा और लेदर उद्योग लगाना। बिहार में अब उद्योग लगाने के कई रास्ते खुलते जा रहे हैं। पहले इथेनॉल, फिर चीनी मिल के बाद अब बिहार में कपड़ा और लेदर का उद्योग लगाना आसान होने वाला है। राज्य सरकार इसके लिए लोगों का सहयोग लेने वाली है, जिसका फैसला बीते दिन बिहार कैबिनेट में लिया गया है। जिसके तहत ही बीते दिन हुए कैबिनेट की बैठक में उद्योग लगाने पर 10% की अनुदान राशि सरकार देने वाली है। इतना ही नहीं, बिहार की नीतीश सरकार कंपनी के कर्मियों को हर महीने 3,000 से 5,000 तक का वेतन देगी। इसके साथ ही बिहार में उद्योग फले फूले इसके लिए सरकार बिजली बिल पर प्रति यूनिट 2 रुपए का अनुदान भी देगी। विदेश में निर्यात करने वाले कपड़ों पर सरकार परिवहन शुल्क का 30% खर्च देगी। बिहार के सभी 79 नगर निकायों में वार्डों का गठन होगा इस दिन। बिहार के 79 नवगठित, उत्क्रमित और सीमा विस्तृत नगर निकायों में वार्डों का गठन 30 मई तक होने वाला है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दूसरे चरण में नगर निकायों के वार्डों का परिसीमन के लिए राज्य के 30 जिलों के 79 नगर निकाय, जिसमें 40 नगर पंचायत, 33 नगर परिषद और 6 नगर निगम है, 21 से 27 मई के बीच प्रारूप प्रकाशन के बाद दावा आपत्तियों के निपटारे के उपरांत संबंधित प्रमंडलीय आयुक्तों से अनुमोदन कराने की प्रक्रिया चल रही है। 30 मई को अंतिम रूप से अनुमोदित वार्डों का जिला गजट में प्रकाशन किया जाएगा। वहीं 2 जून तक राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को जिला गजट में प्रकाशित वार्डों की सूची मानचित्र के साथ उपलब्ध कराई जाएगी। किसानों के उत्पादों के सुव्यवस्थित भंडारण की मिलेगी सुविधा। बिहार राज्य भंडारण निगम के तत्वाधान में स्थानीय अधिवेशन भवन में बीते दिन आयोजित कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने ई भंडारण के लिए वेब आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर व्यवस्था का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि बिहार एक बार फिर से गौरवान्वित हुआ है। भंडार गृहों के संपूर्ण गतिविधियों को केंद्रीकृत स्वचालित व्यवस्था के तहत संचालित करने की दिशा में बिहार ई भंडारण लागू करने वाले देश का प्रथम राज्य बना है। साथ ही कहा है कि ई भंडारण के शुभारंभ से बिहार राज्य भंडार निगम की कार्य व्यवस्था में सुधार के साथ आधुनिकीकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। बिहार में मॉनसून के देरी से आने की आशंका। मॉनसून करंट के अंडमान सागर में कुछ ठिठकने की वजह से समय से पहले इसके केरल तट पर दस्तक देने का पूर्वानुमान कुछ समय पहले जारी किया गया था। हालांकि अब इस पूर्वानुमान पर आंशिक ग्रहण लग गया है। हालांकि बंगाल की खाड़ी में पिछले 2 दिनों से ये पहले की अपेक्षा थोड़ा आगे जरूर बढ़ा है। इसके बाद से ही मौसमविदों का कहना है कि 21 से 23 मई तक मौसम
मॉनसून करंट के प्रसार में पहले की तरह तेजी नहीं देखी गई है, जिसके कारण ही बिहार में मॉनसून के लिए फिलहाल बेहद अनुकूल परिस्थितियां भी नहीं बन रही है और बिहार के मौसमी सिस्टम पर भी इसका असर पड़ने की उम्मीद है। अभी एक उत्तर दक्षिण ट्रफ लाइन पूर्वी बिहार से उत्तरी आंध्र प्रदेश से झारखंड और उड़ीसा की तरफ गुजर रही है। इसके प्रभाव से राज्य में छिटपुट जगहों पर आंधी पानी की स्थिति बन सकती है। अगले एक हफ्ते तक बिहार में प्री मॉनसून एक्टिविटी में कमी आने की संभावना जताई गई है। बिहार में अब यहां बनेगा इस्कॉन टेंपल। बिहार की राजधानी पटना में हाल ही में इस्कॉन टेंपल का शुभारंभ किया गया, जिसके दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु बिहार आ रहे हैं। इसी बीच अब इस मंदिर की भव्यता को देखते हुए ही बिहार के एक और जिले में इस्कॉन मंदिर खोलने की तैयारी हो रही है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार अब पटना के बाद पूर्णिया में भी इस्कॉन टेंपल खुलने वाला है। इसको लेकर पूर्णिया के ई होम्स पनोरमा ने बीते दिन एक अहम बैठक बुलाई थी। इस बैठक में पटना के इस्कॉन टेंपल के पदाधिकारी और आचार्यों के साथ सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय बुद्धिजीवी शामिल हुए थे। बैठक में मौजूद पटना के इस्कॉन टेंपल के पदाधिकारियों और आचार्यों ने अपने विचार रखे, जहां पर ही बैठक में पूर्णिया में इस्कॉन टेंपल के निर्माण को लेकर विचार विमर्श किया गया। बिहार बना पर्यटकों की पहली पसंद। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार की नीतीश सरकार काफी काम कर रही है। अगर आप किसी भी पर्यटन स्थल पर घूमने जाते हैं तो आपको पर्यटन स्थलों पर काफी विकास मिल जाएगा। आज आलम कुछ यूं है कि बिहार पर्यटकों की पहली पसंद तक बनता जा रहा है। बिहार में पर्यटन के विकास में मोदी सरकार ने सड़क, हवाई सेवा और अन्य आधारभूत संरचनाओं के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इस संबंध में बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री भी स्वीकार करते हैं कि बिहार में पर्यटन से जुड़ी 47 केंद्रीय योजना और 245 राज्य योजनाओं का कार्य पूरा हो गया है। आंकड़ों के अनुसार बीते कई सालों से मोदी सरकार ने बिहार में पर्यटन से जुड़ी करीब 50 ऐसी योजनाओं को पूरा कर लिया है, जिससे पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। किशनगंज के खगरा मेला में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। प्रत्येक वर्ष जनवरी फरवरी में मनाए जाने वाले इस मेले की शुरुआत 1950 में स्थानीय निवासी सैयद अट्टा हुसैन ने की। पहले ये कृषि मेले के रूप में शुरू हुआ, बाद में ये खगरा मेले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पहले इस मेले की तुलना दुनिया में प्रसिद्ध सोनपुर मेले से की जाती थी। मेले के समय हजारों की संख्या में लोग खरीदारी करने यहाँ आते हैं। जमुई में सोन भंडार के बाद अब लौह अयस्क होने की संभावना। बिहार में सोने का भंडार मिलने के बाद अब जमुई में फिर बड़ा खजाना मिला है। जमुई में लौह अयस्क का भंडार मिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं जीएसआई यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में ये बात सामने आई है। दरअसल जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड में मंजोश पंचायत के 8 से 10 किलोमीटर क्षेत्र में लौह अयस्क का खान होने की बात कही जा रही है। इसे लेकर जीएसआई की टीम के द्वारा सर्वे भी किया जा रहा है। बीते 2 सप्ताह से इस पंचायत में जीएसआई की टीम जमीन में 200 से 250 मीटर छेद कर सैंपल ले रही है। इस दौरान आयरन के अलावा सफेद संगमरमर भी निकलते देखा गया है। वहीं इससे पूर्व के सर्वेक्षण में ये बात सामने आई है कि यहीं कहीं तो 70 से 80% लौह अयस्क मौजूद है। बिहार में सर्वे से पहले होगा सरकारी योजनाओं की जमीन का म्यूटेशन। बिहार में म्यूटेशन की योजना को जमीन पर सही ढंग से उतारने में लगी हुई है। इसी के तहत बिहार सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि बिहार में म्यूटेशन में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। इसको लेकर ही सरकार ने अब बंदोबस्त पदाधिकारी और जिला भू अर्जन पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है, जिसके तहत ही इन्हें अब समय समय पर बैठक करने का निर्देश जारी किया गया है। साथ ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने विशेष सर्वेक्षण का कार्य पूरा होने से पहले राष्ट्रीय राजमार्ग सहित सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के लिए अर्जित की गई भूमि का म्यूटेशन कराने के आदेश दिए हैं। इससे एक फायदा ये होगा कि विशेष सर्वेक्षण में उस विभाग के नाम रैयत के रूप में दर्ज किया जा सकेगा, जिसके लिए जमीन अधिग्रहण का काम होने वाला है। बिहार में इतने लाख परिवारों के पास है आयुष्मान कार्ड। देश की सत्ता की बागडोर संभाले भाजपा सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं। इस कार्यकाल में भाजपा ने कई सराहनीय काम किए, जिनमें से एक है आम लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ देने का, जिसका सीधा असर बिहार में भी दिखा है। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ड्रीम योजना में से एक है, जिसके तहत ही देश और राज्य के कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को और भी बेहतर सुविधाएं मिल सके। इस योजना का ही बिहार में भी बड़े पैमाने पर गरीबों ने लाभ उठाया है। ताजा आंकड़ों के अनुसार बिहार में 34 लाख परिवारों के पास आयुष्मान कार्ड योजना है। वहीं बिहार में अब तक कुल 3.30 लाख से अधिक लोग इस योजना के तहत अस्पताल में इलाज करा चुके हैं। जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बता दें कि बिहार में कुल 943 अस्पताल सूचीबद्ध है, जिसमें 571 सरकारी और 334 निजी अस्पताल है। सबसे खास बात यही है कि इसमें 38 केंद्र सरकार के अस्पताल भी लिस्टेड है, जहां लाभार्थी इलाज करा सकते हैं। भाषा विषयों की पढ़ाई पर सबसे ज्यादा खर्च कर रहा है बिहार।
बिहार में शिक्षा व्यवस्था भले ही सवालों के घेरे में खड़ी रहती हो, लेकिन बिहार शिक्षा के क्षेत्र में कई मामलों में बाकी राज्यों के मुकाबले काफी आगे रहा है। केंद्रीय शिक्षा विभाग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से भाषा विषयों पर सबसे ज्यादा खर्च बिहार कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस पर 104 करोड़ रुपए खर्च किए गए। हालांकि इससे पहले के साल वित्तीय वर्ष में 2018-19 पर खर्च 153 करोड़ तक किए गए थे। केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार अपने रेवेन्यू बजट का 1.66% भाषा विषय के विकास पर खर्च करता है। हालांकि राज्यों में भाषा पर खर्च करने के मामले में बिहार, मिजोरम और असम के बाद तीसरे स्थान पर है। हालांकि नई शिक्षा नीति के तहत लोकल भाषा की पढ़ाई को अधिक तवज्जो देने की बात कही जा रही है। ऐसी स्थिति में जानकार मान रहे हैं कि बिहार को भाषा विषयों की पढ़ाई और विकास पर अधिक खर्च करना पड़ सकता है। आज जारी होगा बिहार पुलिस SI PET परीक्षा का एडमिट कार्ड। बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन द्वारा BPSSC SI PET परीक्षा के एडमिट कार्ड आज यानी 27 मई दिन शुक्रवार को सुबह 11 बजे जारी किए जाएंगे। इस समय के बाद से कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट में बताए गए प्रारूप से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वो अभ्यर्थी जिनका चयन PET या फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए हुआ है, वो बिहार पुलिस SI और सार्जेंट पदों के लिए होने वाली PET परीक्षा के एडमिट कार्ड रिलीज होने के बाद वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। पटना का नया रेलवे ओवरब्रिज अगले महीने से हो जाएगा शुरू। बिहार के नीतीश सरकार बिहार में सड़कों का जाल बिछाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। यही कारण भी है कि बीते कुछ महीने से एक के बाद एक सड़कों का उद्घाटन हो रहा है। वहीं राजधानी वासियों को अगले महीने से एक और रेल ओवरब्रिज की सौगात मिलने वाली है। खबर के अनुसार राजधानी पटना स्थित मीठापुर में बने ओवरब्रिज पर यातायात की सुविधा अगले महीने से शुरू की जा सकती है। जानकारी के अनुसार पटना के गया लाइन गुमटी के मीठापुर रेलवे ओवरब्रिज का काम लगभग पूरा हो चुका है। इस रेलवे ओवरब्रिज के चालू हो जाने पर करबिघैया की तरफ आना जाना बेहद आसान हो जाएगा। इसके अलावा GPO स्टेशन गांधी मैदान की तरफ आना जाना भी सुगम होगा। इस पुल के शुरू हो जाने से उम्मीद है कि लोगों को जाम की समस्या से निजात मिलेगा, जिसके तहत ही इस पुल के शुरू हो जाने से गया लाइन गुमटी के पास लगाने वाले भीषण जाम से भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। पुल का काम कर रहे कारीगरों ने बताया है कि पुल का निर्माण कार्य बस अंतिम दौर में है। बिहार के बच्चे राजस्थान में करते हैं बाल श्रम। बिहार में बेरोजगारी और शिक्षा का अभाव कितना ज्यादा है, इस बात का अंदाजा आपको भी जरूर होगा। साथ ही बिहार में गरीबी की मार भी है। ऐसे में बिहार के भविष्य यानी कि बच्चों को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग ने पहल करते हुए हाल ही में बिहार समेत उन राज्यों का दौरा किया था जहां से सबसे ज्यादा बच्चों को राजस्थान लाया जा रहा है। इसी कड़ी में बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने 4 दिन तक बिहार का दौरा किया और वहां की वस्तुस्थिति के बारे में जानकारी जुटाई। बिहार दौरे से वापस संगीता बेनीवाल ने बताया कि बिहार में गरीबी और बेरोजगारी ज्यादा है। ऐसे में परिजन बच्चों को बाल श्रम के लिए भेजने को मजबूर है। चिंताजनक बात तो ये भी है कि राजस्थान में बाल श्रम रोकने के लिए किए जा रहे प्रयास के बावजूद ये आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के स्वरूप पर काम किया शुरू। अपने संसाधन से जातिगत जनगणना करवाए जाने को लेकर राज्य सरकार ने अभी से ही अपने स्वरूप पर काम को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सामाजिक आर्थिक जनगणना में हुए झंझट से सबक लेते हुए अब ये योजना बन रही है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ सभी जगहों पर अधिकारियों के साथ बैठक होगी। जनप्रतिनिधियों से ये लिखित तौर पर जानकारी ली जाएगी कि उनसे संबंधित इलाके में कितनी तरह की जाति और उपजाति रह रही है। इससे जातिगत जनगणना में लगाए जाने वाले अधिकारियों को अपने काम में सहूलियत होगी। जातिगत जनगणना आरंभ किए जाने के पूर्व जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कई चरणों में होगी। इन दो लोगों को राजद ने भेजा राज्यसभा। राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार में तैयारियों का सिलसिला जारी है। इसी के तहत राजद ने अब अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीते लंबे समय से राज्यसभा भेजे जाने वाले उम्मीदवारों के नाम को लेकर संशय की स्थिति देखने को मिल रही थी, जिसके बाद ही बीते दिन राजद ने मीसा भारती और फैयाज अहमद के नाम को पक्का कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मीसा भारती अभी निर्वर्तमान राज्यसभा सांसद है। उनका कार्यकाल जुलाई में पूरा हो रहा है। वहीं फैयाज अहमद 2020 में बिस्वे विधानसभा से उम्मीदवार भी रहे हैं। साल 2020 में इन्होंने भाजपा के हरिभूषण ठाकुर के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन लगभग 10,000 मतों से चुनाव हार गए। जानकारों की माने तो ये तय था कि लालू यादव राज्यसभा के लिए एक कैंडिडेट अल्पसंख्यक को बनाने वाले थे। बिहार में लालू यादव के आने को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने दी अपनी प्रतिक्रिया। जदयू के संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में लालू प्रसाद यादव के आगमन पर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन मीडिया से बातचीत के दौरान साफ कहा कि लालू यादव के आगमन से बिहार की राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लालू यादव का घर है, यहाँ पर वो आते जाते रहते हैं।
एनडीए की सरकार 5 सालों तक चलती रहने वाली है। वहीं जातीय जनगणना पर जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने साफ किया कि भाजपा ने कभी भी इस मामले में जातीय जनगणना का विरोध किया ही नहीं। अगर ऐसा होता तो ये प्रस्ताव कभी पारित ही नहीं हो पाता। सर्वदलीय बैठक में जदयू को भाजपा का पूरा समर्थन है, इसीलिए भ्रम की राजनीति न की जाए। बुरे फंसे राज्यपाल के प्रधान सचिव, मुकदमा तय। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोगंथू की मुश्किलें आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि उन पर यह आरोप है कि सहरसा के तत्कालीन डीएम रहते हुए साल 2004 में फर्जी पहचान पत्र पर कई लोगों को शस्त्र अनुज्ञप्ति देने का आरोप है। ये भी आरोप है कि नियम को ताक पर रखकर उन्होंने बाहरी जिले के लोगों को भी आर्म्स लाइसेंस निर्गत करा दिया था। इस मामले का खुलासा उस समय के तत्कालीन एसपी अरविंद पांडे ने किया था, जिसके बाद ही अब उनके विरुद्ध धारा 109, 419, 420, 467, 468, 471, 120B और आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति के लिए आदेश ज्ञापांक 164 दिनांक 24 अप्रैल 2022 के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू हो गई है। झारखंड में कमजोर है जदयू, शून्य से करना होगा शुरू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खासम खास और सरकार के मंत्री श्रवण कुमार को अहम जिम्मेदारी हाल ही में पार्टी की तरफ से दी गई है, जिसके तहत ही उन्हें हाल ही में झारखंड का जदयू प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। दरअसल सीएम नीतीश की नजरें छोटे राज्यों पर है, क्योंकि पार्टी पिछले 3 दशक से भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने में नाकामयाब रही है, जिसके तहत ही अब नए सिरे से काम शुरू हो रहा है। 10 साल पहले भी श्रवण कुमार झारखंड के प्रभारी थे। श्रवण कुमार की माने तो झारखंड में संगठन शून्य हो गया है, तो हमें शून्य से शुरू करना पड़ेगा। वहां शुरुआती दिनों में हमारे 6-7 मिनिस्टर हुआ करते थे। झारखंड में पार्टी के लिए बहुत संभावना है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि पार्टी झारखंड में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराए। शाहनवाज हुसैन आज अधिकारियों के साथ उद्योग विभाग की करेंगे समीक्षा। बिहार के उद्योग विभाग मंत्री शाहनवाज हुसैन आज यानी कि शुक्रवार को अररिया परिभ्रमण पर आ रहे हैं, जहां वो समाहरणालय स्थित परमान सभागार में सुबह 10 बजे उद्योग विभाग से संबंधित योजनाओं को अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में हिस्सा लेंगे। मंत्री शाहनवाज 11 बजे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभुकों से डीआरसीसी भवन प्रखंड परिसर में उद्यमी सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दोपहर 12 बजे विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन कार्यक्रम है। मंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी इनायत खान द्वारा पुलिस अधीक्षक को मंत्री के सुरक्षा और स्कॉट की व्यवस्था नियमानुसार करने का निर्देश दिया गया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत ने 2010 में उड़ीसा के चांदीपुर में बालसौर जिले में परमाणु तकनीक में लैंस धनुष और पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारत के राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल की चीन के राष्ट्रपति हु जिनताओ और प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ से हुई मुलाकात के बाद चीन ने 2010 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के प्रति समर्थन जताया। भारत के उद्योगपति और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ राजनेता नितिन गडकरी का जन्म 1957 में हुआ। प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी और कमेंटेटर रवि शास्त्री का जन्म 1962 में आज के दिन हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्नी रामाबाई अंबेडकर का निधन 1935 में आज के दिन हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन 1964 में आज के दिन हुआ था। 7 साल लंबे इंतजार के बाद राजस्थान के खिलाफ क्वालिफायर 2 खेलेगी आरसीबी। आज क्वालिफायर 2 में आरसीबी का सामना राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ होगा। लीग स्टेज के लिहाज से देखा जाए तो पिंक आर्मी का प्रदर्शन आरसीबी के मुकाबले कहीं ज्यादा शानदार रहा है। पिछले 7 साल में यह पहली बार है जब बैंगलोर क्वालिफायर 2 खेलने जा रही है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले इस जंग के बाद ही फाइनल के लिए दूसरी टीम मिलेगी। ऐसे में फाइनल का टिकट जीतने की चुनौती रॉयल के लिए भी आसान नहीं होने वाली है। मैच आज शाम 7:30 बजे से होना है, जिसको लेकर ही दर्शकों के बीच में काफी उत्साह देखने को मिलने वाला है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है ललन मोटिव, रामदव मीमांझी, विमलेश कुमार यदुवंशी, दीपक राजपति कुमार, कुश कृष्णन, सोनू सिंह, ओमकार सिंह, मंडन यादव, फुलेंद्र पुलिस, मुकेश रेड्डी, रघुनाथ प्रसाद, अनिता कुमारी, पूजा कुमारी। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आज राजस्थान रॉयल्स और बैंगलोर में से कौन सी टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई हो जाएगी? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।